guru. तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बरन ना सको तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा बरन ना सको तू ठाकुर ऊच भगवाना तू सुल्तान कहाँ हो मिया तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई तन वाहि गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना अनद करहे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना अनद करहे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संत हो सुख होआ सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रव रहया सबनी जाई रहाओ तुर की बाणी आई तिन सगली
चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल, देन दुनिया दे मालक, सर्ब कायनात नू सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देन वाली, शब्दा अवतार, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर सुबाई मान जुड़ बैठे समूह सतसंगी जनों, जिवें ये आप जी नू ज्ञात ही है कि आप जी सारे सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत बाबा सुच्चा सिंह जी, तिना महापुरखों वालों जो गुरमत अते गुरमत संगीत दे प्रचार लई अदुत्ते गुरमत संगीत सम्मेलना दी लड़ी नू आरंभ कीता, उसे लड़ी दे अधीन अज आपां सारे ही छब्बवें अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन दे अंदर दूसरे दिन दे अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना अंदर अपनी हाजरी लवा रहे हैं। आप जी ने अमृत में यासा जी के वार दे कीर्तन श्रवण कीते ने, उस तो उपरंत जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने रहमत करके तरस साडे ते खा के असवेरे अमृत वेले हुक्मनामे दे रूप अंदर ये बख्शिश साडे ते कीती है। केवल संकेप विच सतगुरु जी दे इन्हां अमोलक बचना नूं विचारन दा यतन करांगे कि मेरे गरीब नवाज इन्हां अमृत बचना दे अंदर इस मनुख जीव नूं इस इंसान नूं की उपदेश दे रहे ने, की समझाउणा चाहुंदे ने। ते आओ साध संगत, समा सीमित है ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे बचना दा भंडार बेअंत है। जिन्हें भी मेरे पातशाह की सिफत जिन्ना भी गुणगान किया जाए थोड़ा है। ते आओ जितने भी आप जी सारे माई भाई जुड़ बैठे हो, शब्द की विचार आरंभता करन तो पहला समूह संगत एकाग्रचित होके सतगुरां दे चरणां दा ध्यान करके एक बेनती पातशाह दे चरणां विच करिए। ऐ गरीब नवाज रहमत करिया जी, सानू कहन अते सुनन दी जाच आ जावे, ते नाल ए वी बख्शिश कर दिया जी कि साडा कहिया अते सुनिया तुहाडे दर ते प्रवान हो जावे, ए सानू जाच आ जावे। ते आओ साध संगत, समूह संगत रसना नू करो पवित्र, दास नू बख्शो असीस, बड़े प्यार ते अदब सहित आखो जी सतनाम श्री
वाहे गुरु साहिब जियो। फिर करो कृपा, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। अज दे अमृत इन्हां बोलां दे अंदर धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी पंजवें सरूप अज साढ़े तिरहमत अते बख्शिश वरता रहे ने। इस पावन शब्द दे दो पदे ने, दो पदियां ते इस पवित्र शब्द दी संपूर्णता है। ते आम करके ए शब्द हर एक नूं कंठ है। कई बार आप जी ने इस शब्द का कीर्तन भी श्रवण किया होगा। हर एक दी जुबान ते ए शब्द चढ़िया है। ते इस शब्द का जो भाव है, जिसनू बारीकी दे नाल गहराई नाल वाचदे आ, बड़ा डूंगा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बख्शिश की, जिथों शब्द की आरंभता करते ने मेरे पातशाह जी, हजो ने रहमत वरताई। धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज आखते ने सोरठ महला पंजवां शब्द दियां पहलियां पंक्तियां ने जी, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। ये दो पंक्तियां शब्द की आरंभता विच ने सोरठ राग विच। ते इस राग विच शब्द नू रचन वाले ने पंजवें नानक धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। हजूर आखदे ने इस दुनिया के अंदर जदों भी झात मारदे आ, हर एक मनुख हर इंसान अपने जीवन के अंदर दुखा तो छुटकारा पा के केवल सुख लोड़दा है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं होवेगा जेड़ा गुरु कोल आके ए अरदास करके मंगे, ए पातशाह मैनू मेरी जिंदगी दे अंदर दुख दे दवे, कोई ऐसा नहीं होएगा। हर एक बंदा हर एक जीव जदों भी अपने इष्ट अगे अपने रहबर अगे अपने मुरशद दे अगे आके गल विच पल्ला पा के दोवे हाथ जोड़ के कुछ मंगदा है, कोई अरदास करदा है, ते ओदी अरदास दे शब्दां दे अंदर केवल गुरु कोलों सुख ही मंगया जांदा है, कदे दुख नहीं। सतगुरां ने बाणी दे अंदर वचन भी कीता, कहन लगे सुख को मांगै सब को, दुख ना मांगै कोई। कौन दुख मंगदा है जी? सगो बंदा अपने दुखां तो खैड़ा छुड़ाउण वास्ते गुरु दे अगे जोदड़ियां करदा है। पर मेरे पातशाह जी आखदे ने ये ते कदी हो ही नहीं सकता, भी जे जीवन दे अंदर सुख आया है ते दुख ना आवे। सुख अते दुख जिंदगी दे दो पहलू ने। जिस मनुख दी जिंदगी दे अंदर सुख ते आराम है, सत जाना सत्संगत, ओ मनुख दुख सहन लई भी हमेशा तैयार रहे। क्यों? जे सुख ने दस्तक दिती है ते सच जानना एक ना एक दिन दुख ने भी मनुख दी जिंदगी दा दरवाजा खटखटाउणा ही है। जे अज मनुख दुख भोगदा पिया है ते ए भी नहीं भी सारी जिंदगी दुख भोगेगा, मालक दी रहमत वरतेगी, दुखां तो बाद जिंदगी दे अंदर सुखां दी सवेर भी चढ़ेगी। सतगुरु जी कहन लगे सुख अते दुख जिंदगी दे दो पहलू ने। सतसंगत जी, बाबा फरीद साहब जी का एक बचन मैनू याद आ रहा है। वह कहन लगे हर बंदा सोचता है भी जिन्ना दुख मेरे घर विच
जिन्ने कष्ट मैं सह रहा वा, जिन्ना कलेश साढ़े घर विच उन्ना किसी घर विच दुख नहीं होना। हर बंदा सोचता है भी जो कुछ दुखां दा पहाड़ मेरे ते टुटिया होर भला कि टुटिया होवेगा, बाकी सारे ते अपने घरां विच सुख माणदे ने। पर बाबा फरीद साहब जी कहन लगे, ओ नहीं भोलिया, ये तेरे मन दा बस वहम ही है। पुछिया जी किवें, कहन लगे सुन फिर। बाबा फरीद साहब जी ने अपने जीवन ते एक गल टुका के सानू समझाउणा कीता इस समुची लोकाई नू, ते समझाउंदे की ने, कहन लगे जदों मैं केवल अपने जीवन केवल अपने तक सोचता सां, केवल मैनू अपना दुख ही नज़र आउंदा सी, सब तो वड्डा दुख मैनू अपना ही पासदा सी। पर जदों मां गुरु ने रहमत कीती, इस मन की अवस्था तो थोड़ा जा उपर मैं उठिया ते कह दिता कि वेखदा वा इस दुनिया के इकले इकले घर विच दुखां दे भांबड़ पे मचदे ने। उच्चियां उच्चियां लाटां दिखाई नज़र आउंदियां ने दिखदियां हुईयां, ते कहण तो भाव सी भी हर मनुख की जिंदगी अंदर दुख आउंदे ही आउंदे। बाबा फरीद साहब जी का वचन है जी, कहन लगे फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, सारी जिंदगी दुखां विच रची पई है, सारे मनुख दुखां नू भोगदे पए ने, दुखां विच कुरला रहे ने। ते कह दिता उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग, हर घर विच दुखां दी अग पई बलदी है। हुण जदों हर घर विच हर जिंदगी अंदर दुख है, ते सतसंगत जी देखो जदों किसे दुख दा किसे रोग दा किसे कष्ट दा इलाज करना चाहिए ना, सब तो पहला एक गल जरूर समझनी चाहिए भी दुख आया किवें है। जड़ा दुख असी दूर करना चाहुंदे आ, जे इस दुख नूं मिटा के सुख लोड़दे आ, वो दुख आया किवें जी। मेरे सतगुरां ने ही बाणी विच इक बचन कीता, दो तीन उदाहरणां दित्तियां पातशाह जी ने बाणी दे अंदर। एक उदाहरण दित्ती, कहन लगे देखो एक गां वो दुध दिंदी है, उहदा मालक उहदी सेवा करदा, उहनूं चंगी खुराक दिंदा है, उहदी संभाल करदा है भी दुध दिंदी है गां मैनूं। पर होया कि कुछ दिन बतीत होए, गां दी जिंदगी दे अंदर दुख आ गया, ना उहनूं चंगी तरह पट्ठे पैंदे ने, ना उहनूं खुराक मिलदी है, ना उहनूं कोई नहाउंदा है, ना उहदी कोई संभाल करदा है। ते वेखण वाले ने पुछ लिया, कहन लगे गां की गल, पहलां ते तेरी बड़ी सेवा हुंदी सी, तेरी संभाल कीती जांदी सी, हुण तेनूं कोई पुछदा ही नहीं, घर दे इक कोने विच तेनूं बन्न के रख दित्ता है। कई तो ऐसे भी ने, कहन लगे घर विचों तेनू डंडे मार मार के घरों भी बाहर कढ दिंदे ने। की गल, ये सुख दुखां विच किवें तब्दील हो गए, दुख किवें आ गए, की कारण बनिया। तो उस गां ने जवाब दिता, कहन लगी जिस दिन का मैं दुध देना बंद कर दिता है, मेरे पुछ गिछ ही खत्म हो गई है, मेरा मालक मैनू संभालदा ही नहीं। जिन्ना चिर तक मैं दुध दिंदी सां मेरी संभाल हुंदी सी, ते उत्थे मेरे पातशाह जी ने कह दिता सच है, दुध तो बिना गां दी जिंदगी अंदर दुख ने। वनस्पति नूं वेख लो, किसे बूटे नूं किसे फुल्लां वाले बूटे नूं पाणी पाइए ते खिड़िया रहेगा, पाणी देना बंद कर दोगे अज मुरझाएगा, कुछ दिनां बाद खत्म हो जाएगा, सुक जाएगा। उत्थे सतगुरु ने उदाहरणां दित्तियां, कहन लगे दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, खंभा तो बिना पंखा तो बिना एक परिंदे की जिंदगी दुखां नाल भरी हुंदी, क्योंकि उड़ारी नहीं मार सकता, विलकदा रहिंदा है।
दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही। ते पुछ लिया बाणी पढ़न वाले नू इबादत करन वाले नू भी की विसरहे। दुख बहुता लागे दुख लागे तो विसर नाही। ध्यान दिया जे वेखो सवाल कीता पहला की विसरहे दुख बहुता लागे तेरी जिंदगी विचों की विसर गया भी तेरी जिंदगी विच दुख आ गए। ते जवाब मिलिया कहन लगे ओ मालका दुख लागे तो विसर नाही। तू ना विसरी तेरी याद ना भुले। जदों तू भुल दें सच जाने जिंदगी दे अंदर दुख ही दुख आ जाते। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जदों गरीब नवाज इस लुकाई का भला करने निकलते ने ना नाल भाई साहब भाई मरदाना जी ने वेखो असी विचार कर रहे हाँ भी परमेसर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा भन्ना। उस परमात्मा ने रहमत की बख्शिश की मनुख की जिंदगी दे अंदर जेड़ा दुखां दा प्रवाह चलता पिया सी ओनू बन दिता। उस प्रवाह दे अगे रुकावट ला दिती दुख रोक दिते दुख खत्म कर दिते। कदों जदों मालक ने अपनी रहमत ते अपनी बख्शिश नू वरताया। कदों दुख खत्म हुंदे ने जी कदों दुखां तो छुटकारा मिलता है। पहली गल ते ए कि रब दी याद विसरे ते दुख लगदा है। सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंदर चार दुखां दा जिक्र कीता है जी। चार दुख चार रोग हजूर ने पहला दुख जिक्र कीता दुख विछोड़ा। ये पहला दुख है जी दुख विछोड़ा। एक दुख भूख एक दुख मन्या भी जिंदगी अंदर बंदा भुख नाल कुरलाउंदा रवे। दूसरा दुख है तीसरा दुख का जिक्र किया कहन लगे एक दुख विछोड़ा एक दुख भूख ते नाल ये कह दिता एक दुख सगत वार जमदूत। मनुख नू मौत का डर सताउंदा है। ये भी बड़ा वड्डा दुख ही मन्या गया बड़ा वड्डा दुख। एक ते दुख विछोड़े दा विछोड़ा किहदे नालों परमात्मा नाल। जे रब नालों टुट जांदा है रब तो विछड़ जांदा है उहदी जिंदगी अंदर दुख ही दुख आउंदे ने जो रब नूं भुला दिंदा है। एक दुख है भुख दा एक दुख है मौत दे डर दा। ते अगे हजूर आखदे ने एक दुख रोग लगै तन ताए ते एक दुख हुंदा है शारीरिक कोई रोग आ जावे मानसिक रोग आ जावे इनू भी सतगुरां ने चौथा दुख गिणिया है। हुण कहण तो भाव ए भी ये सारे दुख ने ते इन्हां दुखां दा कारण की है रब तो टुटना रब तो विछुड़ना रब नू भुला देना। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जदों लुकाई का भला कर निकलते ने मेरे पातशाह तुरद्या तुरद्या एक नगर विच आ पहुंचे। रात हो गई सतगुरां ने नगर वाले पूछा भी एक रात रुकना है किते सानू कोई टिकाणा मिल सकता है। नालदिया ने कह दिता पिंड वालिया ने नहीं जी जे तुसी रात कटनी है इस नगर विच कोई ऐसी थां नहीं जिथे तुसी रात बतीत कर सको। फिर कित्थे बतीत करिए ते जवाब मिलिया भी इस पिंड दे इस नगर ले बाहरले पासे एक कुटिया है एक झुग्गी है कखां दी छाने उत्थे चले जाओ शायद उत्थे तुहानूं रात रुकण लई टिकाणा मिल जावे। मेरे बाबा नानक तुर पे भाई मरदाना जी नूं नाल लै के जदों पिंड दे बाहरले पासे जा पहुंचे की वेखद ने एक कखां दी कुल्ली नज़र आई
जो ओदे कोल होए अंदरों आवाजा आउंदियां ने, भाई साहिब भाई संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश अंदर इस साखी का जिक्र किया। जो कोल होए आवाजा आउंदियां ने भी जिवें कोई कुरला रहा होवे, कोई तड़प रहा होवे, जिवें किसी नूं बहुत ज्यादा दुख होवे ना, सिसकियां लैंदा होवे, आवाज आई मेरे पातशाह कहन लगे मरदानिया की गल। अंदर जाके वेखते से भी आवाजा कित्थों आउंदियां ने, भाई मरदाना जी अंदर गए, ज्यों अंदर जाके वेखदे ने हैरान हो गए भी उस कखां दी कुल्ली विच एक मनुख जमीन ते लेटिया होया है, जमीन ते लेटिया है, ओदे सारे शरीर विचों कहन लगे पाक रिसदी पई है, पाक शरीर चो निकलदी पई है। भाई मरदाना जी एकदम वेखिया बाहर आ गए, आके कह दिता पातशाह अंदर कोई मनुख है, इंज भासदा है जिमें बड़े भयानक रोग दे नाल ओ ग्रसिया होवे, कोई दुख बड़ा वड्डा उन्हूं जापदा है। सतगुरु जी अंदर गए, जदों अंदर जाके देखिया जिस पासे उहदा सिर सी ना हजूर उहदे सिर वाले पासे गए, ज्यों उहदे सीस दे उहदे सिर ते हाथ फिरन लगे ना मेरे पातशाह, ते एकदम उस मनुख ने सतगुरां नूं इशारे नाल आख्या नहीं मेरे सिर ते हाथ ना फेरियो। मेरा बापू पुछदा क्यों, कहन लगा जी तुहानू नहीं पता, उन्हूं नहीं पता सी गुरु नानक है दुनिया दे दुख कटने आया है, उन्हूं ज्ञात ही नहीं सी भी मेरे सिर वाले पासे मेरा सिर दा साई गुरु नानक खड़ा है। कहन लगा नहीं मेरे सिर ते हाथ ना फेरे, क्यों ना फेरा, ते जवाब दिता उस मनुख ने, कहन लगाओ महापुरखो तुहानू ए नहीं पता भी मैं रोग की है, मैं ओ रोग है, जे तुसी मेरे सिर ते हाथ फेर दिता हो सकता है मेरा रोग तुहानू भी लग जावे, मैं रोग है कोढ़ दा, मेरे घर वालियां ने मेरे रिश्तेदारां ने मैनू अपने घर विच्चों बाहर कढ दिता है, इस नगर दे बाहरले पासे कखां दी कुल्ली विच रहना वां, ते सारी जिंदगी सारी रात रात कुरलाउना रहना वां, भी इस जिंदगी तो चंगा है मैनू मौत आ जावे। मेरे पातशाह कहन लगे रो ना। हजूर कहन लगे तेनू पता है जेड़ा दुख जा रोग तेरे ते आ पिया एदा कारण की है, कहन लगा नहीं, कहन लगे तू तपदा तू करलाउना तू रोना एदा कारण की, कहन लगा बाबा मैं नहीं जानदा की कारण है। ते उत्थे मेरे सतगुरु जी कहन लगे मरदानिया वजार बाब इतिहास लिख दे, तन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या मरदानिया रबाब बजा काई सिबत खुदा दे दीदार दी करिए, ते उत्थे अज रबाब बजी ते तन गुरु नानक सच्चे पातशाह दी रसना तो अमृत बचन निकले। ओ बचन केड़े सन, हजूर ने उत्थे उच्ची आवाज विच गाया, ते की गाया मरदाना जी रबाब बजाउंदे ने ते मेरा बापू अज गाउंदा है, ते गाउंदा की है असी ओ बचन पढ़दे आ, हजूर आखदे ने जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, ते अगे कह दिता जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए। कहन लगे जिस दे शरीर विच्चों बाणी जुदा हो गई, जिन्ने परमात्मा नू चेते करना ही छड़ दिता, कहन लगे सच जानी ओदी जिंदगी ओदा शरीर करलाउंदा है, उतां हां मार के रोंदा है, फिर आखदे मेरी जिंदगी विच दुख किवें आ गया,
दुख दा कारण की है, जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विलाए। ते अज दे अमृत बचना विच मेरा बापू आखद है, जेड़ा दुख तेरी जिंदगी विच आ पिया है ए दुख तो खैड़ा छुट जाएगा, पर जदों मेरा परमेश्वर बख्शिश ते रहमत दा बन मार देगा उदों। सतगुरां ने उते शब्द गाया ते इतिहास लिखद है जी, उस कौड़ी दा नाम सी नूरी। उस कौड़ी दा हजूर कहन लगे नूरी, ज्यों ज्यों सतगुरु दी बाणी गाउंदे ने ना त्यों त्यों उहनूं चैन मिलदा है, उहनूं आराम आउंदा है, क्योंकि ये बाणी सुख दिंदी है। ज्यों ज्यों इस बाणी नूं पढ़दे आ, कोई प्यार नाल पढ़ी, कोई एक चित हो के पढ़ी, सच जानना बाणी सारे सुखां दा घर है। इस बाणी विचों सारे सुख निकलदे ने, सारियां चिंतावां बाणी मिटाउंदी है। सतसंग जी, असी अज दी जिंदगी विच झात मारीए ना, हर एक बंदा डिप्रैशन दा मरीज है। दो तीन बंदियां बाद हर एक बंदा डिप्रैशन नाल ग्रसिया पिया है। क्यों है चिंता, क्यों है? सतगुरु जी आखदे ने, इस भज दौड़ दी जिंदगी विच हर बंदा चाहुंदा मेरे मन नूं शांति मिले, मेरे मन नूं चैन मिले। वो चैन कित्थों आएगा जी? धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा एक दरबारी कवि होया जी, जिहदा नाम सी कवि पियूख। कवि पियूख जी दियां चार कु सत्रां बड़ियां प्यारियां ने, मैं वो सत्रां ही तुहाडे सांझियां करने ने, उहदे अर्थ बिल्कुल स्पष्ट ने। कवि पियूख जी लिखदे ने, कहन लगे जैसे भोजन खाए बिन भूख नहीं दूर होत, प्यास नहीं दूर होत बिना पिए पानी के, चढ़े बिन पान अंधकार नहीं दूर होत, दारिद ना दूर होत मिला बिना मिले दानी के। ते अगे कह दिता, इष्ट देव जैसे रीजे नहीं शरदा बिना, मुगत ना होत बिना मिले ब्रह्म ज्ञानी के। ते अगे आखद ने, तैसे पियूख इस कोर कली काल में, शांति न आवे बिना पढ़े गुरबानी के। इस कोर कलयुग दे अंदर बाणी तो बिना मन नूं टिका किवें मिल जावे, बाणी तो बिना मन शांत किवें हो जावे? नहीं हो सकता। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह रहमत वरताउंदे ने, आखदे ने, मनुख दी जिंदगी विच्चों दुख रोग उदों टुटदे ने जदों मेरा मालक अपनी रहमत वरताउंदा है। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, ते जदों दुख खत्म कर दिते, रोग मिट गए, ते रोग उदों मिटणगे जदों असीं गुरु दे लड़ लगांगे। इस नाम विच, इस परमात्मा की इबादत विच ही सारे सुख ने, सारे सुख। कह दिता, आनंद करहे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। जदों मनुख की जिंदगी विचों दुख खत्म हो गए, फिर ये नर नारी जीव अपने जीवन अंदर आनंद ही आनंद माणदा है। ते जदो गुरु दियां बख्शिशां ते कृपा मालक दी वरतदी है। अगलियां सत्रां विच कृपा कीती, संत हो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहिया सबनी जाई। जेड़ा परमात्मा परमेश्वर पार ब्रह्म सतगुरु हर एक थां ते रमिया पिया है, जिमें सतगुरु जी आखद ने, जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतहो ना जाई, रब रहिया सरबतर में मन सदा त्याई। कहन लगे ऐसा परमेश्वर जा रोम रोम विच वसदा पिया है, ऐसे परमेश्वर दी आराधना कर, ऐसे परमात्मा दे नाम नू त्याउना कर,
ते जिन्ना ने ऐसे मालक दी आराधना कीती उह संत जन उह साधु लोग गुरमुख गुरसिख उन्हां जी जिंदगी दे अंदर कदी दुख पौ ही नहीं सकदा उन्हां क्योंकि उस मालक दे नाम नाल जुड़े ने। असी बचन पढ़ते हाँ ना जी भी सुख ना नाम बिन, नाम तो बिना कदी सुख नहीं आ सकता, इबादत तो बिना। ते सतगुरु जी ने यह रहाओ दियां पंक्तियां सन भी संतोह सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रहिया सबनी जाई रहाओ। ते अखीर दियां पंक्तियां मेरे पातशाह ने उच्चारण कीतियां पंचम पिता जी ने, कह दिता तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये बाणी जिहड़ी तुर तो आई है, सचखंड तो आई है। सतसंगत सियाने सच आखदे ने भी जिहड़ी बाणी सचखंड तो आई है, सचखंड वो है। एक अवस्था भी आपां कह लिए, जिस अवस्था दा जिक्र भगत साहब जी करदे ने भी बेगम पुरा शहर को नाओ, दुख अंदोहो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस ना खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। जिथे कोई दुख नहीं, जिथे कोई खौफ नहीं, जिथे कोई चिंता नहीं, जिथे कोई डर नहीं, कह लगे ओ अवस्था सचखंड दी। ते कह दिता जेड़ी बाणी सच खंड चो आई है, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बख्शिश करके सानू इस बाणी दी दात दिती। ते सतगुरु जी आखद नू भोलिया तू इस बाणी नाल जुड़ के ता वेख, इस बाणी नू प्यार नाल पढ़ के ता वेख, जेड़ी बाणी सच खंड विचों आई है तू इस बाणी नाल जुड़ी, ये बाणी तेनू सच खंड ही लै जाएगी। तू बाणी नाल जुड़ के ता वेख, कह दिता तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जिन्ना ने बाणी नाल प्यार पा लिया, सांझ पा ली, ते ओ ए आखदे ने जे एक दिन भी नितनेम ना ना करिए, एक दिन भी किते बैठ के सिमरन ना करिए, इंज पासदा है इंज प्रतीत हुंदा है पता नहीं अज जिंदगी चों किन्ना कु वड्डा कम रह गया है। जिंदगी विच खेड़ा नहीं मिलदा उन्हां नूं नितनेम तो बगैर। ते कई ऐसे भी ने भी कई कई दिन नितनेम ही नहीं हुंदा तो कोई परवाह नहीं हुंदी, पर सतगुरु जी आखदे नहीं ये उन्हां दी गल जिन्हां दा प्यार बनिया बाणी दे नाल, नितनेम दे नाल, गुरु दे चरणां दे नाल। ओही ते बचन आखदे ने भी आखां जीवां विसरै मल जाऊं, जिन्ना चिर तक इस जुबान चो मैं वाहगुरू वाहगुरू आखदा वां, जिन्ना चिर तक इस जुबान चो मैं जपजी साहिब दा पाठ करदा वां, इंज जापदा जिवें जिउंदा पिया वां। ते ज्यों ही मैं बाणी तो टुटदा वां, नाम तो टुटदा वां, इंज प्रतीत हुंदा जिवें मुरदा ही तुरिया फिरदा, कोई जिंदगी नज़र नहीं आउंदी। सतगुरु जी आखद ने जुड़ के ता वेख, तेरिया सारिया चिंतावां मिटा के रख देगी बाणी। ते सतसंग जी एक मैं बेनती करा आप जी सारे बड़े प्यार नाल शब में अदुती गुरमत संगीत सम्मेलन में हाजरी पर रहे महापुरखां ने जी उद्यम किया, प्रयोजन किया, इन्ना वड्डा एक कार्ज रचिया गुरमत संगीत का, केवल यही भी असी गुरु नाल जुड़ सकी। इन्ने वड्डे समागमां दा ही प्रयोजन हुंदा है भी किसे ना किसे तरीके नाल जोगत नाल असी गुरु दे बचना नू समझ सकीए, गुरु दे बचना नू अपने जीवन ते ढाल सकीए। असी रोज़ गुरु घर विच आके मत्था टेकदे आ, अरदास करदे आ, बहुत कुछ मांगदे हाँ, सतगुरु ने बहुत कुछ सानू दिता भी है,
पर साध संगत एक मैं बेनती करा, गुरु को सब कुछ मंगो, गुरु सब कुछ देगा जो भी मंगोगी। क्योंकि इस घर विचों आवाज रोज आउंदी है भी जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। इत शब्द पढ़े जाते ने भी साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे। सब कुछ है जो मंगोगे मिलेगा। पर एक मैं साध संगत बेनती कर दिया, वेखो इस जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं जी, कोई भरोसा नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता भी मैं 80 साल दा होके मरना है, मेरी उम्र 100 साल है या मेरी उम्र 70 साल है, कोई दावा नहीं। मेरे बाबे नानक ने कह दिता भी हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत ना जाना। मेरी उम्र एक साह है, जड़ा श्वास ले रहा हाँ बस, अगले श्वास का मैं पता ही नहीं भी आना है कि नहीं आना। सत्संगत मैं बस यही बेनती करनी चाहना हाँ, तुसी गुरु को बहुत कुछ मंगते हो, बहुत कुछ लिया भी है, पर जेड़ी दात मंगण वाली है ना जरूर रोज मंगिया करो। केड़ी जी? किसे अदीब दे मैं बोल पढ़ रहा सा बड़े प्यारे, वो लिख दे कहन लगा रब रब कर दे उम्र बीती, रब की है कदे सोचिया ही नहीं, बहुत कुछ मंग लिया बहुत कुछ पा लिया, रब नू भी पाउना है कदी सोचिया ही नहीं, बड़ा कुछ मंगया है। गुरु ने कोठियां दित्तियां ने, कारां दित्तियां ने, 36 प्रकार दे भोजन खा रहे हैं, कीमती तो कीमती ब्रांडेड वस्त्र पा रहे हैं, पर कदी गुरु को ए नहीं मंगया मालका ए शरीर लेके दुनिया ते आए हैं, इस शरीर दे भले वास्ते अपने नाम दी दात साड़ी झोली विच पा दे। क्योंकि नाम तो बिना गुजारा नहीं जे होना, सिमरन तो बिना साडा सरना नहीं जे, केवल दुनिया दे पदार्थां नू मानना ए ते फिर एवें होवेगा भी रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हेरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। इस मनुखा जिंदगी नू कौड़ियां दे भाव ना वेच के दुनिया तो चले जाइए, जाना हर एक ने जे, गुरमुख भी जाएगा मनमुख भी जाएगा, पर गुरमुख जो जाएगा ना उत्थे शब्द टुकणगे भी गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जी। किते सब कुछ गवा के ना चले जाइए, ते सतगुरु जी रहमत वरताउन। सात संगत जदों भी गुरु अगे अरदासां करदे हो मंगदे हो, गुरु को यह भी मंगया करो पातशाह अपने नाम की दात दे, अपने चरणा नाल जोड़ सानू, असी गुरु वाले बन सकीए। क्योंकि गुरु वाले बने तो बगैर साड़ी गत नहीं जी होनी, साड़ी मुक्ति नहीं जी होनी। ते अज धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह अखीर दियां पंक्तियां च कृपा कर दिन, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। ओ दयालु ओ महान पुरख अकाल पुरख जड़ा हमेशा अपनिया मेहरां ही वरतौंदा है, ते ऐसे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे आपां गुण गाउने ने, रहमत सतगुरु दी तां ही मिलेगी जो दे नाम नाल जुड़ांगे, गुरु दे बचना नूं जीवन विच कमावांगे। आप जी सारे अज दे इन्हां दीवाना विच अपनी हाजिरी लवा रहे हो, सतगुरु जी कृपा करन सानू सब नूं अपने दरों करो नाम बाणी दियां दातां बख्शिश करके साडी गरीब नवाजी करन, रहमतां वरताउन। ते आप जी सारे 96 अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन में हाजिर लवा रहे सात संगत जी, महान ओ गुरमत संगीत का कुंभ है,
जिहड़ी दात कीर्तन दी सतगुर ने सानू बख्शिश कीती। गुरु नानक जदों उदासियां ते चले भाई मरदाना जी दे हाथ विच रबाब पकड़ाई, रबाब पकड़ा के आख्या मरदानिया उस अकाल पुरख ने जो ड्यूटी लाई है ना, इस जगत जलंधनी जो विषय विकारां दी अग विच सड़दा पिया, किते ईरखा दी अग, किते द्वैख दी अग, किते लोभ दी अग, किते काम दी क्रोध दी, इस अग नू बुझाउणा है, इस जगत जलंधे नू ठारना है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह चल पे नाल भाई मरदाना जी लैके चार उदासियां कीतियां मेरे पातशाह ने, ते जिथे भी गए सतगुरां ने आप कीर्तन किया रागां विच। भाई मरदाना जी रवाब वजाउंदे सन, सतगुरु जी आप बाणी का कीर्तन करदे सन। इतिहास इत्थों तक लिखदा है भी जदों भाई मरदाना जी रवाब की तार छेड़नी ना, ते सतगुरां ने गाउणा, आले दुआले जिन्ने भी जानवर पशु होने कहन लगे सारे सतगुरां दे आले दुआले आके बैठ जाने। इत्थों तक सूरज प्रकाश दा करता लिखदा है भी दरख्तां दे पत्तियां चों भी रस चोना शुरू हो जांदा सी। इस कीर्तन विच ऐसी बख्शिश है, ऐसी रहमत, ऐसी रवानगी है, त्यो महान जो गुरमत संगीत दा रागा विच कीर्तन दा जो विरसा सी साडा, उन्नू मुढ़ तो सुरजीत किया सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने। वो तंती साज रबाब दिलरुबा ताउस जिन्हां ते पातशाह कीर्तन करते रहे, पंजवें पातशाह ने किया, छेवें पातशाह ने किया, वो सारे साज साडे सामने लियांदे, ते महान महापुरखां ने उद्यम किया है, ते उसे उद्यम नूं संत बाबा मीर सिंह जी अगे तो रहे ने। सो आप जी हर एक समागम में सहयोग दिंदे हो, हमेशा इस तरह आप जी ने सहयोग ही बख्शते रहना है। ते आज सारा दिन दवान सजने ने तकरीबन रात के 10 बजे वख वख गुरु घर के कीर्तनी आप जी समूह संगत नूं निहाल करनगे, कवि दरबार भी होवेगा अज दोपहरे, ते इस तरह आप जी ने टका बख्शिश करके वो तो वह हाजरियां भरनिया ने। आओ 2 मिनट आप गुरमंत्र जुड़ांगे जी, फिर समाप्ति करांगे। सारिया ने एकाग्रता नाल चौंकड़े मार के उच्ची आवाज विच कृपा करनी जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु।